सुदिवस बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए नूरमा। आज हम पांचवी कक्षा के हिंदी क्लास में क्या करेंगे, जो पिछले क्लास में हमने जिस विषय पर आलोचना की थी उस विषय पर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ी सी आपस में जानकारी हो जाए कि अभी जो समय चल रहा है बहुत ही कठिन समय है। हमें इस समय में खुद को उपस्थित सारे परेशानियों से दूर रखने के लिए घरों में रहना है, हमारे परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को ध्यान में देना है, वो जो हमें बोल रहे हैं उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। और हम घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो हमारा आने वाला कल भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम परिवार से जो बड़े हैं हमारे उनकी बातों पर ध्यान कर देंगे और उनकी बातों को हम कार्य में लगाएंगे। तो इससे पहले हमने अगली कक्षा में क्या आलोचना की थी, जो विषय चारवी है उसमें परागण की विषय थी, उसको हमने थोड़ी सी आधी आलोचना की थी, उसको थोड़ा फिर से हम आलोचित कर देते हैं और आगे बढ़ेंगे। ताले कढ़ाई दिला ना हमें पूर्व क्लास में आलोचना करी थी परागण, परागण को ही कौन ना पराग संगम जोटा की देखी थी, फूल मैंने फुटिले कौन हुए ना मोर मैंने मऊमाछी किंबा प्रजापति एम सब आस गोटे फूल बस अलग फूल बस ले कौन हुए ना से माध्यम पराग संगम हुए आउ फूल फल परिणत हो তাহলে এইভাবে গোটিয়ে বিষয় আছে বড় রাইজে কোন হয়েছি না গোটে ছোট তিতলি তার নাম হচ্ছে মিলি, সে কোন হয়েছে না দিনে এমতি বুলি 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 গোটিয়ে জঙ্গল ভিতরে প্রবেশ কলা, সেই জঙ্গল সে যে গছরে সে বুলুছি সেই সময় কোন হয়েছে না সেটি গোটে বুড়া গোটে কাউটে আসি বসিলা, সে কেতে বড় দেখুছি গোটে ডাহি উপরে বসিকি সব দেখুছি যেতবেলে কোণ হয়েছে না সেই প্রজাপতি টি যাই গোটিয়ে ফুলরে বসবাক চেষ্টা করেছি বা তার মুখ টাণিবাক চেষ্টা করেছি, সে সেতবেলে তাকে প্রতিবাদ করেছি। কওয়া চকন্না হকর পেড় কি উঁচি ডালি পর বেঠা থা বহা কোণ বহ বহ বেঠি সবে ডালি উপর নজর লাগায় বেঠা থা তবে বহা এক নন্হি সি তিতলি গুনগুন করকে আ পৌঁছি और फूलों के गुच्छे की ओर उसका रस पीने के लिए बढ़े। तभी ताले सी कौन है जी ना का काउ पूरा चला है कैसे बसे जी गछ डहे है सब गछ कौन हो जी केते फूल हो जी कौन है जी मने मने भाबु जी जे एक थरो प्रबल फूल हो जी माने प्रबल फल भी हमको मिलबो खाइ पाएंगे। तो सही समय रे गुटी छुटिया प्रजापति ने गुनगुन गुनगुन गीत गाए कौन कर जी ना गुटी फूल आड़ी के आगे जी कहे के ऐसे फूल रे बसिले तार मोहु पीबो आउ मोहु पीकिरे त चली जीवो। काउर मन धारणा अच्छी प्रजापति कौन कर फूल रस सब पी नष्ट भ्रष्ट कर द्वारा कि फल हो ना तेणुक सी प्रतिवाद कर आगे मत बढ़ना तितली मैं मिली तितली हूँ तो आज से तुम यहाँ नहीं आओ। ताले काउ कह किए तुम्हें कौन पे आस आगे को बढ़ो ना तो से कौन हो प्रजापति भी कह मिली मो नाम हूँ मिली आ क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सभी प्राणियों ने यह निर्णय लिया है कि हमारे इलाके में हम ऐसे कीट पतंगों तितलियों को आने नहीं देंगे जो कि फूलों का रस पीकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ताले रस पीकर नुकसान पहुंचाते हैं हमको मन में उठी धारणा रही थी जे छोट छोट कीट पतंग हो प्रजापति हो मऊमाछी हो ये मैंने कौन कर ना फूल रस पीकर से मन को क्षत विक्षत कर असुविधा तितली हम फूलों का रस पीकर फूलों को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे बल्कि उनकी हम मदद करते हैं। कौवा अब हमारे फूलों को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तितली ऐसा बोलने से पहले एक बार ध्यान से सोच लो क्योंकि
हमें फूलों तक न पहुंचने देना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। कौवा, तुम्हें यहाँ से जल्दी जाओ, तुम फूलों का दुश्मन हो। तितली, ठीक है मैं चली जाती हूँ, देखना यह करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तितली उदास होकर वहां से लौट गई। उस इलाके के प्राणियों ने नियम का पालन कड़ाई से किया। अब उस इलाके पर दूर दूर तक कोई भी कीट पतंग या तितली ये सब भटकते भी नहीं थे। ताले कौन है जी? ना प्रजापति आओ काउ को जुक्ति तर्क भीतर काउ को है जी जे तुम्हें वो जो फूलों मना करा शत्रु जेकी तुम्हें ना करा फोर अस पी करी ताकू कौन कर छ ना बहुत क्षति पहुंचो छ ता हमरा बहुत असुविधा कर छ त तेनो करी आज चलु तुम भली समस्त कीट पतंग मोहमाची प्रजापति एमानो को आमे सप्त मना करी देली जे तुम्हें ए एरिया भीतर तिला फूलों मान को आसीबनी की ताकू ताकठारो रस नबनी ये सब मिली चितनी कहला मिनी प्रजापति कहले कहले ना ना आम फूल रस पीछू सत कि पीवा द्वारा आम साज्य करूचर केमती आम फलटा हो पार काउ कहले ना ना तुम साज्य आम आवश्यक ना आमर आम बुझू तुम तुम काम जाओ। कुछ समय बाद वसंत ऋतु आया तभी सभी पेड़ पौधों पर फूले लग गए। ताले किसी समय पर कौन है ना वसंत ऋतु आसी आ सब गच्छ फूल फल जो माने छोट छोट गच्छ बड़ बड़ वृक्ष पर्यंत सब गच्छ फूल परिपूर्ण हो जाए। चारों ओर फूलों की खुशबू फैल गई है। उसकी उम्मीद थी कि इस बार सबको उम्मीद थी कि जरूरत से ज्यादा फल और बीज खाने को मिलेंगे। बहुत दिन बीतने के बाद फूलों का मौसम भी खत्म हो गया। जो आशा लगाई थी हुआ उसका उल्टा। जब पेड़ पर फूल लगने की बारी फल लगने की बारी आई तो उन पर गिरे चुने फल भी दिखने को मिले। ताले जितना बड़े वसंत ऋतु आसला सब गच वसंत ऋतु आसले कौन हुए ना वसंत ऋतु आगमन ने गच गुड़ सब पत्र झड़ा दिए नुआ पत्र फड़े आ पत्र फड़वा द्वारा सब फूल फल फूल परिपूर्ण हो जाए। गच जो फूल परिपूर्ण हो जाए से समस्त छोट छोट पशु पक्षी जो कीट पतंग प्रजापति मौमाछी एम सब फूल फूल बुल रस संग्रह करती पादरे सब कौन ना ये फूल रेणु से फूल रेणु धीरे मिसी पाए जहाद्वारा कौन हुए ना फल सृष्टि हमारे सहजी पड़े। जेहेतु ये कौन कर सत भाव बारण कर प्रजापति हूँ कि मौमाछी हूँ कि कौन सी कीट पतंग हूँ से अंचल जाइपारी ना तो किसी समय फूल ऋतु मधु पलैगला फूल सब झड़गले कि आशा करते वर्ष फूल एत मैंने बहुत परिमाण में मंजी खावाक मिल फल खावाक मिल तार ओरटा है कहीं प्रजापति जो कीट पतंग मौमाछी कहीं भी फूल देह बसि ना किए फूल से फूल को जाए ना तो तेणुकर पराग संगम होना परागण होना तेणुक फल भी धरने कौआ पेड़ पर फूल फूल तो बहुत आए थे और बहुत कम फल दिख रहे हैं। ताले ये तो गला हमर पूर्व क्लास रहा ये बैग हम जी बैग कौन है जी ना काउ देखला कले ये घर पर बहुत फूल हुई थी ताले पढ़ो ये तो कौन कौन मैं की कोयल लगता है दूसरे जीवों की बद्दुआ लग गई इसलिए इतने कम फल हुए हैं इस साल। कबूतर हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जरूर उन कीट पतंगों तितलियों की इन पर बुरी नजर लग गई इसलिए वहां मौजूद सभी प्राणियों ने कोयल की बात को समर्थन किया। तभी वहां खड़ा बूढ़ा तोता जो जोर से हंसने लगा। उसे देखकर कौवा इतने दुख की बात पर आप कैसे हंस सकते हैं चाचा बूढ़ा तोता हंसो ना तो क्या करो तुम बात भी ऐसी कर रहे हो तुम नए जमाने के होकर भी ऐसी मूर्खों वाली बात कैसे कर लेते हो पेड़ों पर फल किसी बद्दुआ और नजर लगने से नहीं लगती कीट पतंगों को पेड़ों को नुकसान नहीं बल्कि उनके फूलों से फल बनाने में मदद करते हैं। पेड़ कीट पतंगों को और तितलियों का सहारा लेते हैं फूलों से फल बनने में। कीट पतंगों ने तितलियों ने फूलों को परागण करते हैं तुम उसकी सब तुम लोगों की सबकी मूर्खता की बदौलत ये सब ऐसा हुआ इस बार परागण नहीं हुआ इसलिए फल भी नहीं बने। ताले कौन है ये सब काम है इतने तो बहुत फूल ही थी ये सब कौन है कहीं किसी तो गोटे फल भी है अल्प फल है से गोटे कौन है ना कोईली कोईली कहला ब
बोधे से जो कीट पतंग प्रजापति इन नजर लगे जहाद्वारा कि फल समस्त उपस्थित कौन समस्त प्राणी माने जो पशुपक्षी माने कोईली कथा को समर्थन कले हाँ हाँ तुम्हें जहाँ कौज ठीक कथा से आमे जेहेतु बारण कले से खराब दृष्टि नजर लगे आम फल भल है गोटे बुढ़ा तोता तोता मान शुआ से बुढ़ा शुआटे सी कौन कला ना कथा शुणी हसु था समय कहला चाचा तुम यही समय बड़ दुख समय तुम हसी पार आम भावु ये सब लोक मैंने जो तितली कीट पतंग एगुरा सब कौन कले आम क्षति कले आम कम करू बर्ष जहाँ आशा कर ओल्टा है कौन करू से समय तुम हसुच तेणु से चाचा कहला मसी मिली कौन कर आजिकल यही मुख भाया कथबार्ता करसबी तो कौन करी आरे बाबा फूल सर कौन ना प्रजापति कीट पतंग मऊमाची फूल शत्रु नुहतने बरम मित्र जो मैंने कि फूल फल परिणत हमारे साहय करती गोटे फूल कि गोटे गछ यही समस्त छोट छोट जीव मान साजर फूल फल परिणत होता है बरम आमको साहय करती कौआ क्या सचे चाचा कहला तुम कौन सत्य कह बुढ़ा तोता हाँ सचे ही तो बोल रही तुम लोगों ने बिना किसी बड़े से विचार विमर्श किए बिना इतनी मूर्खता का निर्णय ले लिया तो हमसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। अब क्या करें चाचा कुछ उपाय बताइए। बुढ़ा तोता चिंता मत करो बुरा वक्त जल्द ही गुजर जाएगा फिर बसंत ऋतु आएगा और फल खिलने लगेंगे फूल खिलने लगेंगे तब हम उन कीट पतंगों से नहीं बीमारियों से दूर रखेंगे। ना सभी प्राणियों को अपनी गलती पर एहसास हुआ उन्होंने फिर से कभी भी किसी की पतंगों पर रोक टोक नहीं लगाई और सब खुशी से चले लगे और ये बुरा वक्त उनका बीत गया। आगे का साल बहुत अच्छा रहा और परागण के दौरान उन्हें बहुत सारे फल और सब्जियां खाने मिली। ताले कौन है ना किसी समय ये समस्त कथा से छुआटी बुझाई देना समस्त निजर भूल बुझीपारे आगे सत्य आम तो जानू एत बड़ भूल आम द्वारा हो जाए आम कौन करू कत कठिन शब्द अच्छे देखा बदुआ मान हम कौन ना अभिशाप बुरी नजर बुरी नजर मान खराब दृष्टि किसी भी कीट पतंग या तितलियों को भटकने नहीं देंगे।
कौवा के अनुसार कौन फूलों के दुश्मन है और क्यों है? कौवा के अनुसार फूलों के दुश्मन है कीट पतंग, तितलियां, मधुमक्खियां, ये सब है, क्योंकि ये लोग फूलों के रस को पी लेते हैं और उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। सबने इस बार क्या आशा लगाई थी? सबने इस बार यह आशा लगाई थी कि इस बार ढेर सारे फल और बीज मिलेंगे खाने को। कोयल ने कम फल होने का क्या कारण बताया? कोयल ने यह कारण बताया कि शायद उन तितलियों का और कीट पतंगों का बुरी नजर इस साल लग गई, जिसकी वजह से फल बहुत कम आए। कौन कोयल की बात सुनकर हंसा और क्यों? कोयल की बात को सुनकर बूढ़ा तोता, जो बूढ़ा तोता हंसा, क्योंकि उसको ये लगता था कि आजकल के जमाने के होकर भी आप लोग इतनी मूर्खतापूर्ण बात कैसे कर लेते हो, कि इतनी भी समझ नहीं है कि फूलों को परागण करने में कीट पतंग और तितलियां ही सहायता करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।